ओ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ विशाल सर और आप सबका स्वागत है वीबी इंस्टीट्यूट में। टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की सारी फार्मूला लर्न करेंगे और उसके बाद JEE में कैसे MCQ आते वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स आपके NCERT टेक्स्ट बुक में, और आपने जो बोर्ड की प्रिपरेशन की हुई है उसके अंदर आप जो भी प्रिपेयर करते हो उसमें जो आपके NCERT बुक में जितनी फार्मूला दी हुई है उतनी इनफ नहीं है JEE के लिए। आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी फार्मूला होगी जो आपके टेक्स्ट बुक में या फिर आपने कभी देखी भी नहीं होगी, राइट। सो आज हम वो सारी फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि 11th और 12th में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट सारी फॉर्मूला एक साथ। सो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स से। सो व्हाट इज़ योर बेसिक आइडेंटिटी? फर्स्ट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। एंड थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर से आप बहुत सारी नई फॉर्मूला भी बना सकते हो, लाइक साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज़ आप अपनी नोटबुक लेके बैठो, फार्मूला की एक नोटबुक अलग ही बनाओ और ये फार्मूला आपको लाइफ टाइम, यानी कि जब तक आपका स्टडी रहेगा तब तक आपको यूजफुल होने वाली है, राइट। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट राइट ऑल द फार्मूला इन योर नोटबुक, ओके। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके लिए आप सबको फार्मूला याद होगी ही, आई थिंक, ऑल STC, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकेंड के अंदर साइन, यानी कि ऑल S, यानी कि साइन एंड कॉसेक उसका इनवर्स वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में T यानी कि tan और फोर्थ में C यानी कि cos। अब यही सब कॉन्सेप्ट हमारा हुआ है वो मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, यानी कि उसका यूज़ कहाँ से हुआ। तो ये आपका नॉर्मल साइन का ग्राफ है, राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उस साइड आप जाओगे तो नेगेटिव, इस साइड आप जाओगे तो पॉजिटिव। सबसे पहले 0 से आपका साइन का ग्राफ स्टार्ट होगा, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 2π सेकेंड क्वाड्रेंट, π/3 π/2 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 3π/2 to 2π इट्स योर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हियर f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर आप उसमें नेगेटिव साइन डालोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, राइट। सो साइन इज अ ऑड फंक्शन, कि अगर साइन नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ओके। सो साइन इज अ ऑड फंक्शन, ये आपको याद रखना है कि f(-x) इज इक्वल टू माइनस f(x). और उसका एक प्रिंसिपल पीरियड है साइन का 2π/a, सो x+t इज इक्वल टू f(x), यानी कि प्रिंसिपल पीरियड ऐड होगा तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। हियर प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन ax इज 2π/a, साइन x का प्रिंसिपल पीरियड है 2π, बट उसके अलावा कोई भी अगर उससे मल्टीप्लाई है साइन ax तो उसका प्रिंसिपल पीरियड होगा 2π/a, ओके। सो नेक्स्ट, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जिस क्वाड्रेंट में ग्राफ अप जा रहा है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, और जिस क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ डाउन जा रहा है तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यानी कि क्वाड्रेंट के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग अलग रहेगा। स्टूडेंट इसमें भी रट्टा मारते हैं, कुछ रट्टा नहीं मारना, एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर रहो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अप जा रहा है तो इंक्रीजिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन डाउन हो रहा है तो डिक्रीजिंग, थर्ड क्वार्टर में भी डाउन हो रहा है तो डिक्रीजिंग, एंड फोर्थ क्वार्टर में अप आ रहा है तो इंक्रीजिंग, सिंपल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉस, राइट। तो मैंने कॉस का ग्राफ यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दे दिया है, कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा और नीचे आएगा, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हुए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगर आप उसमें नेगेटिव साइन डालते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। आप देख सकते हो कि नेगेटिव साइड भी ग्राफ कॉमन ही है, उल्टा नहीं है। सो एफ कॉस इज अ इवन फंक्शन, राइट, साइन इज अ ऑड फंक्शन, कॉस आपका इवन फंक्शन है। सो कॉस के अंदर आप नेगेटिव साइन ऐड करोगे, यानी कि एंगल के अंदर नेगेटिव साइन होगी, कॉस माइनस एक्स, तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, उसका आंसर आएगा ओनली कॉस एक्स।
और अगर प्रिंसिपल पीरियड की बात करें तो ऑब्वियसली कॉस का प्रिंसिपल पीरियड भी 2π ही है। सो अगर 2π आप ऐड करोगे तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। सो एनी कॉस है ए एक्स द प्रिंसिपल पीरियड इज सेम 2π बाय ए। ओके, और आप ग्राफ के ऊपर से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फंक्शन में, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस इंक्रीजिंग है और कौन से फंक्शन में कॉस डिक्रीजिंग है। ओके, सेम लाइक आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक जनरल सॉल्यूशन की भी मैं बात कर लेता हूँ कि आपका साइन का जनरल सॉल्यूशन होगा n π ± 1⁻α और कॉस का जनरल सॉल्यूशन होगा 2n π ± α जो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। राइट, सो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है बट डीप में नहीं है, बट हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स 11th का अगर कुछ भूल गए हो तो उनके लिए भी रिवाइज हो जाए। राइट, सो दिस आर द जनरल फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस, तो वो सब आपको राइट डाउन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो अब तो डिसाइड हो गया वो इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। सो अगर साइन के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो माइनस साइन, सेम लाइक टेन इज़ अ ऑड फंक्शन, टेन में अगर नेगेटिव साइन है तो माइनस टेन, कॉस इज़ अ इवन फंक्शन, वी ऑलरेडी शो अबाउट कॉस, एंड साइन इज़ अ ऑड फंक्शन, सेम लाइक कॉसेक इज़ अ ऑड फंक्शन, सेक इज इवन फंक्शन एंड कॉट इज ऑड फंक्शन। सो ओनली कॉस एंड सेक आर इवन फंक्शन, जिसमें नेगेटिव साइन एंगल के अंदर आएगी तो कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब में नेगेटिव साइन आई तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी। साइन, टेन, कॉसेक एंड कॉट आर ऑड फंक्शन एंड कॉस एंड सेक इज ओनली इवन फंक्शन। ओके, नाउ अब हम टेन के ग्राफ की बात करते हैं। राइट, सो टेन का ग्राफ आप सबको पता है कि टेन की रेंज है R, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। सो यहाँ पे ड्रॉ किया है आपका टेन का ग्राफ। राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपका माइनस पाई बाई टू, फिर जीरो, पाई बाई टू के बाद पाई, देन 3π/2 और उसके बाद 2π। राइट, सो ये आपकी वन साइकिल हुई टेन के ग्राफ की, 0 से 2π। सो यहाँ पर भी आप क्वाड्रेंट के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कर सकते हो, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 2π सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 3π/2 थर्ड एंड 3π/2 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। हियर 10 का प्रिंसिपल पीरियड है पाई, क्योंकि एवरी पाई के बाद वो रिपीट हो रहा है सेम। सो 10 का प्रिंसिपल पीरियड होगा पाई, सो 10 ax इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ए। साइन और कॉस बाकी सब का है 2π/a, सिर्फ 10 और कॉट का है π/a। सो 10θ इज इक्वल टू 10α, जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू n π + α। और अगर साइन का हम याद कर ले तो सेम ही था कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आता है तो थीटा इज इक्वल टू n π, सिर्फ -1⁻ आएगा, -1⁻α। और कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन फिर से अगर हम बात कर ले, थीटा इज इक्वल टू 2n π ± α। ओके, सो ये हुआ -π/2 to π/2, 10 और साइन दोनों बिटवीन -π/2 to π/2, साइन का जो भी ग्राफ आएगा वो भी, जो भी प्रिंसिपल रेंज होगी वो -π/2 to π/2, सिर्फ कॉस की होगी 0 to π, कॉस की रेंज होगी 0 to π, और साइन और टेन -π/2 to π/2 टेन के अंदर इक्वल नहीं आएगा क्योंकि वो इनफाइनाइट तक कहीं पर टच नहीं होगा, साइन के अंदर इक्वल आ जाएगा क्योंकि वो π/2 को टच हो जाएगा। ओके, सो ये सब रेंजेस आपको याद रखनी है जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये सब तो ज़रूरत नहीं है आपको अभी। ये ऑलरेडी आप सबको पता है, दैट्स वाई
ये सब टॉपिक की कोई ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, क्या करना है आपको। अब आप कहोगे कि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से यूज़ कहाँ पे होता है। सबसे पहले हम थोड़े बहुत एग्जांपल ले लें कि टेन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, सो योर आंसर इज माइनस साइन थीटा। और अगर पाई होगा तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा। सेम अगर टेन की बात करें तो ऑल एस टी, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, योर आंसर इज टेन थीटा। सो डिपेंड ऑन योर क्वाड्रेंट एंड फंक्शन कि आपकी साइन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सेम पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव सो साइन थीटा। अगर कॉस की बात करें सेम पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव सो योर आंसर इज माइनस कॉस थीटा। और अगर टेन की बात करें तो टेन इज ऑल्सो नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सो साइन टू पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव। कॉस टू पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव ऑल एस टी सी, सो योर आंसर इज प्लस कॉस थीटा। एंड टेन इज ऑल्सो नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो माइनस टेन थीटा। ओके, सो ये सब का यूज़ कहाँ पे होता है? तो ये सब का यूज़ कंपाउंड एंगल फार्मूला के अंदर यूज़ होता है। आगे की चार फार्मूला बहुत इजी थी इसलिए मैंने जानी थी कि लाइक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, तो आप वो राइट कर देना। नाउ फिफ्थ फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेन पाई बाई फोर प्लस और माइनस ए, तो उसका आंसर आएगा वन प्लस और माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस प्लस टेन ए। सेकेंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये सब फार्मूला आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी बट के लिए और एमसीक्यू के लिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जो भी मैं टिक कर रहा हूँ यानी कि राइट साइन यानी कि करेक्ट कर रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। नाउ सेवेंथ फार्मूला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हियर टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सिग्मा टेन ए माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपन वन माइनस सिग्मा टेन ए टेन बी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉट वाली फार्मूला के इतना यूजेस नहीं है सो आप वो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये सब फार्मूला याद रखनी है फिफ्थ सिक्स सेवन एंड एट, जिसका बहुत यूज़ होगा एमसीक्यू के अंदर, एनी टाइप ऑफ एमसीक्यू, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जेडब्ल्यूई, गुजकेट, बोर्ड्स एमसीक्यू, नाटा की कोई एग्ज़ाम या एनी एग्ज़ाम जिसमें एमसीक्यू आते हो, तो ये सब के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल, राइट? सो स्टूडेंट्स मानते हैं कि अगर साइन टू ए की फार्मूला है तो टू साइन ए कॉस ए, और दूसरी उसकी फार्मूला है टू टेन ए अपन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, बट उसकी जगह पे टू ए की जगह पे थ्री ए आ सकता है, फोर ए आ सकता है, ए बाई टू, ए बाई थ्री, थ्री ए बाई टू, ए एनी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर साइन टू ए की फार्मूला होगी तो एंगल हाफ हो जाएगा, राइट? सो ये साइन टू ए की फार्मूला भी आपको याद रखनी है और आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा। कॉस टू ए की टोटल चार फार्मूला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सेकेंड इज़ टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, थर्ड इज़ वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, एंड फोर्थ वन इज़ वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। चार में से कौन सी कब यूज़ करनी है वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि आपको आंसर कौन से फॉर्म में चाहिए, राइट? चारों फार्मूला एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इसमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉस टू ए है तो उसी के लिए यूज़ करें, अगर कॉस फोर ए आता है आपको जस्ट एंगल हाफ करना है। कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस फोर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू ए माइनस साइन स्क्वायर टू ए, राइट? नाउ थर्ड, टेन टू ए, ये भी आपको याद रखनी है, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है, साइन थ्री ए, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है, कॉस थ्री ए इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब है माइनस थ्री कॉस है, टेन थ्री ए इज इक्वल टू थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वी ऑलरेडी नो अबाउट साइन टू ए, तो अगर 2a की जगह पर a होगा तो सेम फार्मूला बट एंगल हाफ हो जाएगा। सो साइन a
इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, राइट। सो ऊपर की जो फॉर्मूला थी वो आपकी एंगल की फिनिश हो गई, अब सब एंगल स्टार्ट हो गए, मल्टीपल ऑफ एंगल, राइट। जिसमें साइन ए वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी है, आप उसको टेन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना याद रखना है कि एंगल हमारा हाफ हो जाएगा, यहाँ एक ही जगह पे चाहे 2a हो, 3a, 4a, 5a, whatever, हमारा एंगल हाफ हो जाएगा। सो साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, सेम लाइक कॉस ए की, कॉस 2a की जो चार फॉर्मूला थी वो आप इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए भी लिख सकते हो, राइट। कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखनी है, सेम लाइक टेन 2a की थी, सेम फॉर्मूला 10 है, 2 टेन ए बाई 2 अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2, ये सब फॉर्मूला का मैक्सिमम यूज़ होता है। सो आपको ये डायरेक्ट ही याद रखनी है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फार्मूला, राइट। यहाँ पे आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, राइट। सो ये पूरे टेबल में से आपको इतनी वैल्यू आनी ही चाहिए, साइन 18 की वैल्यू, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, साइन 15 की वैल्यू, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, कॉस 36 की वैल्यू, रूट 5 प्लस 1 बाई 4, कॉस 72 की वैल्यू, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, और कॉस 15 की वैल्यू, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और सेम साइन 75, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, यानी कि कॉस 90 माइनस 15 यानी कि साइन 75, सबकी वैल्यू सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है प्लस और माइनस का। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है साइन और कॉस की, आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज़ होगा। जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है ये सब वैल्यू, राइट। सो ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है। नाउ टेन 2 माइनस रूट 3, टेन 2 प्लस रूट 3, एंड टेन रूट 2 माइनस 1। सो ये 10 की इतनी फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि टेन 15, टेन 75, राइट, एंड टेन 1, 22 एंड हाफ। सो ये सब वैल्यू आपको कभी भी कहीं पर भी यूज होगी जो आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेक्शन।